सदियों से नागों की पूजा करने की परंपरा रही है। हिंदू परंपरा में नागों को भगवान शिव का आभूषण भी माना गया है। भारत में नागों के अनेक मंदिर हैं, इन्हीं में से एक मंदिर है उज्जैन स्थित नागचंद्रेश्वर का, जो कि उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर की दूसरी मंजिल पर स्थित है। पूरी दुनिया में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें विष्णु भगवान की जगह भगवान भोलेनाथ सर्प शिष्या पर विराजमान है। मंदिर में स्थापित प्राचीन मूर्ति में शिव जी, गणेश जी और मां पार्वती के साथ दशमुखी सर्प शिष्या पर विराजित है। शिव शंभु की गले और भुजाओं में भुजंग लिपटे हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर की खास बात तो यह है कि यह मंदिर साल में सिर्फ एक दिन नागपंचमी पर ही दर्शन के लिए खोला जाता है। आज ये मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए खुला किया। ग्लोबल इंडिया न्यूज से हाकम सिंह काकरेल की रिपोर्ट। एक मिनट आशीष भाई, थोड़ा पीछे हो जाओ। ओके बाबा, हाँ हाँ, ये कहाँ होगी? नहीं रहने दो ना। आते जाओ, दर्शन करते आगे आगे आते जाओ। चलो आते जाओ, आते जाओ। चलो भैया, दर्शन करते आगे जाओ। चलो आपने हो गए, जल्दी दर्शन करते जी। बताएं, नागपंचमी का क्या महत्व है और इतना माना क्यों जाता है बाबा? नागपंचमी पे बाबा नागचंद्रेश्वर के दर्शन मात्र से ही सारी बाधाएं दूर हो जाती है और रात्रि 12 बजे से भक्तजनों सब दर्शनार्थी लाइन में लगे हुए हैं और हम भी काफ़ी देर से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं और प्रभु के दर्शन मात्र से सारी बाधा दूर होती है और भगवान महाकालेश्वर के नागचंद्रेश्वर भगवान केवल साल में एक बार ही प्रभु के पट खुलते हैं। इनके दर्शन मात्र सारी समस्या का समाधान हो जाता है। जय महाकाल।